आठवीं कक्षा के प्यारे बच्चों, आज हम आपको ज्योमेट्री के प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 20 करवा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये इसके हमने प्रश्न अपने पास लिख दिए हैं। दो समान वृत्तों की बाहरी स्पर्श रेखा खींचो। दो समान वृत्त, तो हमारे पास दो समान वृत्त दिए गए हैं। समान का मतलब आप समझते हैं कि जितना एक वृत्त दिया है उतना ही दूसरा होगा, लेकिन वो दूर दूर स्थित है। ये देखिए दूर स्थित है, ये अलग अलग है पर है समान। जितना बड़ा आपका एक वृत्त है उतना ही प्रकार रखेंगे आप दूसरे वृत्त के लिए, और आप ये दो, इनके नाम है ए बी। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों के केंद्रों को मिलाएंगे, ए और बी बिंदुओं को। बहुत ही आसान से सवाल है दोनों। और आप दोनों बिंदुओं पर 90 डिग्री के कोण बनाएंगे। नब्बे डिग्री के कोण आपको आते ही है। उसी प्रकार आप ए बिंदु पर भी आप 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। ये देखिए, अब आप क्या करेंगे, जहां पर ये 90 डिग्री वाले कोण हमारी वृत्त की परिधि को काट रहे हैं, यहां पर उसके आप नामकरण करेंगे ई एफ। ई और एफ को मिलाते हुए आपने एक स्पर्श रेखा लगानी है, ये दिख रहा है आपको सी डी। ये हमारी उत्तर की रेखा है, अभीष्ट रेखा। ये हमारा सवाल कंप्लीट हुआ। दो समान वृत्तों की बाहरी स्पर्श रेखा खींचो। बाहरी ये है, बाहर से इधर से होगी या इधर से होगी। और अगले सवाल में हमारी है इसी प्रकार, दो समान वृत्तों की आंतरिक स्पर्श रेखा खींचो। आंतरिक मतलब जो बीच में से निकले, चाहे इधर से चाहे इधर से, ठीक है। तो आप ध्यान से देखना इस सवाल को, इसमें भी क्या है, दोनों समान वृत्त है। जितना आपका एक वृत्त है उतना ही आपका दूसरा वृत्त होगा। और ये भी क्या है, दूर दूर है, दूर दूर स्थित है ये दोनों वृत्त। इसी प्रकार, लेकिन पहले वाले प्रश्न में थी ये बाहरी स्पर्श रेखा और इसमें है आंतरिक स्पर्श रेखा। इसमें भी आप इसी प्रकार दोनों केंद्रों को मिलाएंगे, ए और बी को मिलाएंगे। लेकिन इसमें तरीका थोड़ा सा अलग है। पहले प्रश्न में हमने 90 डिग्री के कोण बनाए थे, इसमें हम क्या करेंगे, ए और बी भुजा का करेंगे हम समद्विभाजन। उसी प्रकार उतना ही खुला हुआ प्रकार दूसरे बिंदु पर, और इसको काटती हुई दूसरी चाप, जहां पर समद्विभाजन हुआ, ये ध्यान देना आपने। वहां नाम देंगे हम ओ। अब आपके पास ए बी रेखा के दो भाग हो गए, ए ओ और ओ बी। इनको अलग अलग मानकर आपने क्या करना है,
वृत्त को अपने दिमाग से अभी थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, मात्र ये ध्यान रखिए कि आपके पास एक रेखा है ए ओ और एक है ओ बी। इसी प्रकार आप अलग अलग इन दोनों भुजाओं के अलग अलग से समद्विभाजन करेंगे। अभी हम कर रहे हैं ए ओ का, इसके आधे से ज़्यादा प्रकार खोला, उतने ही प्रकार दूसरे ओ बिंदु पर रखा और ये समद्विभाजन कर दिया। इसी प्रकार आप, क्योंकि ये भी इतना ही है तो इस भाग का भी हमने, ओ बी भाग का भी हमने समद्विभाजन किया। जितना प्रकार आपने एक तरफ से खोला हुआ है उतना ही आप ओ बिंदु पर रखकर समद्विभाजन कर लीजिए। यानी कि अब एक ही भुजा के हमारे तीन बार समद्विभाजन किया हमने। ये देखिए, अब आपने इनके नामकरण करने हैं पी एन। इस बिंदु का नाम है पी, इस बिंदु का नाम है एन। अब आपने क्या करना है, इसमें दो अर्थ भी लगेंगे, तो आपने क्या करना है, अगर आप पी से यानी कि पहले वाले भाग से अर्थ भी लगा रहे हैं ए और ओ को मिलाता हुआ, मान लीजिए आपने ये लगाया पी बिंदु से ये देखिए ओ तक, ठीक है, कहाँ प्रकार रखा था पी पर, आपने ए से पी ओ तक एक अर्धवृत्त लगाया, उसी प्रकार एन से लगाएंगे। लेकिन ये ध्यान रहे ऊपर को नहीं, अगर आपने एक वृत्त ऊपर को लगाया है तो आप अपनी कॉपी घुमा लीजिए, एक उसके ऑपोजिट उल्टा वो नीचे की ओर लगेगा, ये इसकी वजह क्या है वो मैं अभी आपको दिखाता हूं। ये देखिए, एक बिंदु से हमने अर्धवृत्त लगाया ऊपर को अर्धचाप, और एक बिंदु से लगाया हमने नीचे को, क्यों, ये जो अर्धचाप है ये हमारे यहां पर, यहां दिख रही है आपको जहाँ मैंने पेंसिल रखी है, यहाँ पर हमारे वृत्त को काट रही है, तो उसी प्रकार ये नीचे की ओर की जो अर्धचाप है वो हमारे वृत्त को यहाँ से काट रही है। इसके हम नाम रखते हैं एस आर, एक का नाम है एस, एक का नाम है आर। अब हम क्या करेंगे, एस और आर बिंदु को मिलाती हुई ये एक स्पर्श रेखा लगाएंगे, सॉरी ये यहाँ से मेरा पेंसिल थोड़ी आगे ही निकल गई, सी डी, ये है आपका उत्तर। ये हो गई आंतरिक, ये थी बाहरी। ये देखिए, ये है बाहरी स्पर्श रेखा और ये है आंतरिक, जो कि दोनों वृत्तों के मध्य में से निकल रही, बीच में से, इधर को हो सकती है। अगर आपने ये वृत्त नीचे को लगाया होता तो ये वृत्त ऊपर को लगता, तो ये फिर ये भुजा लगती इधर से। तो इसलिए ध्यान से देखने पर हमें पता चलता है कि ये दोनों सवाल एक जैसे थे, इसलिए मैं एक ही जगह किए हैं और आपको समझ भी आ गए होंगे। धन्यवाद।